आज छठे दिवस पर हमारे भगवान भोलेनाथ के साथ हम सबको श्री राम कथा का श्रवण करवाने हेतु व्यास गादी पर विराजित हो चुकी हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी ओर से माँ का सम्मान करें, स्वागत करें। आज के हमारे यजमान कपिल नीलम जी गिरिया, वे दीप प्रज्वलन कर आज की इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं और वो हमारे यजमान भी हैं। मेरा उनसे निवेदन है, दीप प्रज्वलन के बाद जो व्यासपीठ पर माँ विराजित हैं और रामायण जी की जो पोथी रखी है उसकी पूजन भी हमारे आज के यजमान करें। संत सत्कार समिति के भी हमारे बहुत सारे बंधु बहन यहाँ पर हैं, मैं उनको भी यजमान के बाद बुलाऊंगा। माँ हमारे यहाँ संत सत्कार समिति बनी हुई है, उसके सभी लोग हैं। हमारे आदरणीय पूर्व प्रशासक हैं शुभकरण जी शर्मा जो महाकालेश्वर मंदिर के हैं, आदरणीय प्रकाश चित्तौड़ा जी हैं, नारायण जी धर्माधिकारी हैं, हमारे श्याम जी माहेश्वरी हैं, राजेंद्र गुरु जी हैं, हमारे ओम प्रकाश जी गुप्ता जी हैं। यजमान के बाद सभी लोगों के मैं नाम लूंगा, वे कृपया मंच पे पधारेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर पुजारियान समिति और भक्त मंडल के द्वारा ये आयोजन, इस पूरे कथा के संयोजक हमारे धनंजय जी शर्मा, नंदू जी शर्मा, रवि जी अग्रवाल, मुकेश जी खंडेलवाल और नीरज सोगानी जी, माँ की पूरी व्यवस्था वहाँ देख रहे आलोक शर्मा जी जो उदासीन अखाड़े में माँ ठहरी है, वहाँ की व्यवस्था उनके जुम्मे हैं। यहाँ हमारे पंडाल की व्यवस्था महेश जी शर्मा। संत सत्कार समिति से भी निवेदन है मेरा, कृपया वे भी मंच पे पधारें। हमारे प्रकाश जी चित्तौड़ा जी, नारायण धर्माधिकारी जी, आदरणीय शुभकरण शर्मा जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, राजेंद्र गुरु जी, हमारे अजीत मंगलम जी, सामने जो विश्वात्मानंद जी का अन्न क्षेत्र चल रहा है उसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं। एक सुंदर सी कथा विश्वात्मानंद जी की आपने कुछ ही दिनों पूर्व यहाँ कराई है। माताएं भी उनके साथ है हमारे सत्कार समिति के, उनसे भी निवेदन है क्रम से आए। हमारे इस पूरे आयोजन में जुड़े हुए हमारे बंधु जो यहाँ पर हों, कृपया उनसे भी निवेदन है माँ से आशीर्वाद ले लें। हमारे संयोजक धनंजय शर्मा, नंदू जी शर्मा जो पूरा काम वो देख रहे हैं, आदरणीय हमारे आशीष गुरु जी, उनसे भी निवेदन है मंच पे पधारे। हमारी आरती और दर्शन की सभी अतिथियों की व्यवस्था उनके जुम्मे, महेश गंगवानी जी भी मंच पे पधार जाए, आदरणीय नीरज सोगानी जी, मनोज बंसल जी, रवि अग्रवाल जी, अंजनेश शर्मा गुरु जी, प्रदीप जी नाहर, विवेक जी नाहर, मुकेश खंडेलवाल जी, सुशील गुरु मेहता, अक्षय पंचोली, भुवनेश शर्मा, अमित जी बाली, अंशु यादव, गोलू नाहर, सुमित जैन, अपूर्व देवड़ा, तनय अग्रवाल, सुजीत जैन, अपूर्व देवड़ा, तनय अग्रवाल, मृत्युंजय शर्मा, विपिन अग्रवाल, महेश जी शर्मा, आशीष राठौड़ और अशोक जी शर्मा जो माँ की व्यवस्था देख रहे हैं। लक्ष्मी जी गहलोत भी आ जाएं, जिनका सहयोग हमारी शोभा यात्रा में था। शीला समी जी जल्दी जल्दी आते जाएं, शीला समी, गीता झालानी, सविता चौहान, प्रमिला यादव, शीतल यादव, मनोहर कटारे जो बंबई से हैं, जीवन संगम निर्गम इंदौर से, रमाकांत जी त्रिवेदी, जयंती लाल जी चावड़ा और आर एस गांधी जी इंदौर, कृपया आ जाएं। स्वागत की बेला को यहीं विराम है, जिनके नाम लिए कृपया जल्दी से आकर माँ से आशीर्वाद ले लें। उज्जैन की परंपरा है स्वागत की और माँ के चरणों में भी निवेदन है कि शायद ये भगवान महाकाल का ही दरबार है, कि बहुत सारी असुविधा हो रही है। हम माँ की जितनी बड़ी कथाओं में मेरा भी कहीं जाना हुआ है, मैंने देखा है, पर बाबा महाकाल का दरबार है इसलिए माँ भी उनको कथा सुनाने आई है। और भगवान भोलेनाथ की जब बारात गई थी तो वो प्रसंग आपको पता होगा, उसमें सभी तरह के देश से, ये भगवान भोलेनाथ की बारात है, राम कथा चल रही है और भगवान भोलेनाथ के साथ उनके सभी तरह के गण इस कथा को श्रवण करने आ रहे हैं। उन सबके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं।
श्री द्वारिकाधीश सनातन वैदिक धर्म की भारत माता की सब संतन की नमो भगवते ओमकार रूप
Hare Krishna,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Ram Ram.
श्री अवंतिका धाम में बाबा महाकाल के परम पावन सानिध्य में सिद्ध स्थान में बैठ करके सिद्धों की शरणों में शरण में बैठ करके राम कथा रूपी सिद्ध धारा में हम और आप अवगाहन करने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। जिस कथा के द्वारा संसार में इसके पहले भी वर्तमान में भी और भविष्य में भी जीवों की जागृति होती रहेगी, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर अभी तक इस संसार में यदि कोई जीव जागृत हुआ तो उसकी जागृति का आधार भगवान की कथा ही है। पहले जागृति हुई, वर्तमान में कोई जागृत होते हैं और भविष्य में जीवों की जागृति होगी तो राम कथा के सूत्रों से ही होगी, क्योंकि जब कोई जागृत व्यक्ति जगाता है तो निश्चित रूप से कईयों की जागृति हो जाती है। और मानस एक जागृत महापुरुष के द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जो स्वयं नींद में और सुस्ती में हो और दूसरों से कहे कि उठो, जल्दी उठना चाहिए। तो कोई नहीं मानता, क्योंकि वो खुद नींद में है और बिस्तर में पड़े पड़े कोई आपको जगाता है कि उठो, उठना चाहिए जल्दी। तो यदि आप आंखें खोलकर देख भी लो, उसके बाद भी आपने देखा कि वो पड़े पड़े कहता है कि उठो, उठना चाहिए, तो आप फिर से चादर ओढ़ लोगे, फिर से आंखें बंद कर दोगे, क्योंकि वो खुद बिस्तर में पड़ा है। संसार में वक्तव्य का प्रभाव नहीं होता, व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। जब वक्तव्य के साथ व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व भी जुड़ा हो तो उस वक्तव्य से जागृति होती है। जागृति का आधार राम कथा ही है और कोई उपाय नहीं है।
मानस में लिखा है, जल चर थल चर नभ चर नारायण। कोई जलचर की जागृति हुई, थलचरों की जागृति हुई, नभचरों की जागृति हुई। नभचर यानी उड़ने वाला, जलचर यानी पानी में रहने वाला, थलचर पृथ्वी पर रहने वाला। लेकिन यदि वो जाग गया तो राम कथा से ही जागृति हुई। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी जब हम लोग कथा सुनते हैं इसी समय जागृति बने न बने, लेकिन कोई सूत्र हमारे भीतर स्थापित हो गया, तो वो सूत्र आज नहीं तो साल दो साल के बाद मृत्यु के पहले आपको जगा के रहेगा। जो सूत्र आपके अंदर बैठा है, जो आपके अंदर बैठ गया, जो आपके अंदर अटक गया। कथाओं की खूबी है ये कि आप जितना सुनोगे उतना याद नहीं रख सकते, लेकिन जितना सुनते हैं उतना आप भूल भी नहीं सकते। कथा को 100% याद रखना भी संभव नहीं है, उसी प्रकार कथा को 100% भुला पाना भी संभव नहीं होता। कोई न कोई बात आपके भीतर रह जाती है, अटक जाती है, और जो वस्तु, जो सूत्र, जो शब्द आपके भीतर स्थापित हो गया है, तो वो शब्द यदि किसी जागृत महापुरुष का है तो एक न एक दिन आपको जगा के ही रहेगा। किसी मौके पर वो जगा देगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि सत्संग के जिन शब्दों से आप जागृत नहीं हो रहे, लेकिन जीवन में जब कोई ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसा हादसा होता है, जब कोई ऐसा माहौल बनता है, तब आपको वही शब्द याद आते हैं जो कभी साल दो तीन साल पहले सुना था, तब तो आपने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आपके अंदर बैठा है वो। आप 100% भूले नहीं है, वो शब्द आपके अंदर पड़ा है। और साथ साथ कोई घटना ऐसी घटी जिस घटना ने आपके अंतःकरण को थोड़ा नरम बनाया, तो ऐसे में फिर वो शब्द आपके चित्त का आकार बना देगा। जो कठोर है मिट्टी का टुकड़ा, उसको आप ढांचे में डाल दो तो आकार नहीं बनता ढांचे में उसका, लेकिन फिर भी यदि वो ढांचे में पड़ा हुआ वो मिट्टी का टुकड़ा वो ढांचे में पड़ा हुआ रहेगा, और ऐसे में ये समझ लो कि रात में बारिश हो गई, वो गीला हो गया, तो उसी ढांचे के अनुरूप उसका आकार बन जाएगा। तब ढांचा काम आ जाता है, तब ढांचा अपना प्रभाव दिखा देता है। जागृति के मूल में केवल और केवल जागृत महापुरुषों के वचन ही है। जीव की जागृति वचनों से होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कथाएं बहुत होती है और कथाओं से कौन सुधरता है, कितने लोग सुधर गए। कथा सुधारने के लिए नहीं होती है, कथा से कोई सुधरे, कथा का निर्माण, कथा की रचनाएं सुधारने के लिए नहीं है, कथा जीवों की जागृति के लिए है। सुधरना और जागना बहुत अलग है। जहां तक बात सुधरने की है, परिस्थिति भी आपको सुधार देती है।
जब कोई असाध्य रोग आपको हो जाता है तो जिन चीजों के बिना आप रह नहीं सकते थे उन चीजों को भी आप छोड़ देते हैं कि बर अब तो जीना है नहीं तो मर जाएंगे। तो परिस्थिति ने आपको सुधार दिया, सीधा कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि आप मीठा छोड़ो, लेकिन जब डायबिटीज इतना ज्यादा हो गया तो मृत्यु के डर में आप खुद ही छोड़ दोगे, आप कहोगे अब तो सुधरना पड़ेगा। किसी ने नहीं सुधारा आपको, परिस्थिति ने सुधार दिया, मृत्यु के भय ने आपको सुधार। तो परिस्थिति व्यक्ति को सुधार देती है। सुधरना बिगड़ना, सुधरना बिगड़ना मानव जीवन में होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि सुधरने के बाद आप नहीं बिगड़े, फिर से बिगड़ जाते हैं। कई बार हम लोग सुधर गए कि कल से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, कल से क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और 15 दिन तक शायद क्रोध न भी करें, लेकिन 16वें दिन इकट्ठा कर लेंगे 15 दिन का। पंद्रह दिन झूठ नहीं भी बोलेंगे, लेकिन फिर 15-20 दिन के बाद इतना बड़ा झूठ बोल देंगे कि साल भर में इतना बड़ा तो नहीं बोले थे आप कभी। फिर सुधरना बिगड़ना, सुधरना बिगड़ना बनता रहता है मनुष्य के जीवन में। और मनुष्य को यथा संभव प्रयास करना भी चाहिए कि जीवन सुधरे, लेकिन कथाओं की रचना जीवात्मा की जागृति के लिए है। और जागृति किसकी कब होती है यह बताना मुश्किल है। कुछ लोगों की नींद पूर्व की है, कुछ लोगों की नींद इस जन्म की है, कुछ लोगों की नींद कुसंग से बनी है। तो उसकी नींद का प्रकार क्या है उसको समझकर ये बता सकते हैं कि इसकी जागृति कैसे होगी, कब होगी। लेकिन जब भी होगी, जागृति का आधार भगवत चर्चा ही है। जब जो जागता है वो अपना कल्याण खुद करने लगता है। आप नींद में है और आपके आसपास में कागज है, कूड़े है, कचरे है, किसी ने कर दिया आपके आसपास में कचरा, आपको क्या पता, आप तो मस्ती से पड़े हैं। लेकिन किसी ने आपको जगाया और जैसे जाग गए तो जागने के बाद आपको कचरा पसंद नहीं है, आप खुद ही अपने हाथ को आदेश कर दोगे कि हटाओ इसको, और आपके ही हाथ फिर वो कचरा हटाने लगता है क्योंकि आप जाग गए। जागने के बाद आपका कमरा आप खुद ही साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार जीव जब जागृत होता है तो अपने कल्याण का उपाय वो खुद ही करने लगता है। जागृति महत्वपूर्ण है। और सत्संग करते करते कभी ना कभी जागृति निश्चित है। कुछ लोगों की भूमिका जलचर वाली है, कुछ लोगों की थलचर वाली है। जलचर थलचर नभचर मार्गी। कुछ लोग ऐसे हैं केवल डूबते नहीं है,
कईयों को लेकर डूबते हैं। डूबना और दूसरों को डुबाना, ये जिसका स्वभाव है वो सब जलचर है तो मनुष्य की बात ही है, लेकिन डूबना और डुबाना, वो जिसको पकड़े, जिससे मोह करे, जिससे उसकी आसक्ति हो जाए, जिससे उसका लगाव, उसको पागल की तरह पकड़ेंगे और डूबेंगे, उसको लेके डूबेंगे, वो है जलचर। कुछ लोग थलचर जैसे होते हैं, पृथ्वी पर चलने वाले, डूबते तो नहीं लेकिन बार बार ठोकर खाते, एक गलती एक से अनेकों बार करें वो थलचर। बार बार टकराना, बार बार ठोकर खाना, बार बार गलती करना, बार बार झूठ बोलना, बार बार पाप कर लेना, फिर उसकी सजा होना, फिर वो ही करना, थलचर है। कुछ लोग नभचर है, थोड़ी सी सफलता मिली नहीं कि अहंकार आया नहीं, जमीन से खुद को ऊंचा ऊंचा समझने लगे, वो समझेंगे हम पृथ्वी पर चलने वाले हैं ही नहीं, सब हमसे छोटे हैं, सब हमसे बिल्कुल छोटे हैं, हम सबसे ऊपर हैं, उड़ने लगते हैं, दो पैसे मिल गए उड़ने लगते, थोड़ी प्रशंसा हुई उड़ने लगते हैं। सफलता हजम नहीं कर सकता, उड़ने लगते हैं। तो जो ऐसे नभचर है, जो बुद्धि में खुद को सबसे बड़ा समझता है, कोई पैसे में समझता है, कोई कुटिलता में खुद को बड़ा समझता है कि हमारे जैसा कोई कुटिल नहीं, हमारे जैसा किसी को षड्यंत्र रचना नहीं आता, हमारे जैसा किसी को पाप करना नहीं आता, इसका भी अभिमान होता है। तो ये है नभचर। जे जड़ चेतन जीव जाना, जे जड़ चेतन जीव जाना, जो शरीर को और संसार को ही सत्य समझता है वो जड़ है, और जो ये समझते हैं कि ये तो सब भगवान की लीला है, कभी न मिटने वाला तो भगवान, तो उसकी यात्रा चेतन की ओर है, वो चेतन से लगा। लेकिन इन सभी की जागृति सो जानब सत संग प्रभा, सो जानब सत संग प्रभा, भगवत कथा केवल सुधरने के लिए नहीं है, राम कथा जीव की जागृति के लिए है, और जागृति के बाद व्यक्ति दोबारा पाप नहीं करता, जागृति के बाद उनसे गलती नहीं होती, सुधरने के बाद बिगड़ने की संभावना है। कपड़े आपने धोकर बिल्कुल सफेद कर दिए तो फिर से उसमें दाग लगने की संभावना है, जो सुधरता है उसकी बिगड़ने की संभावना है, लेकिन जागृति के बाद जीवन सीधा ऊंचाई पर चलने लगता है, व्यक्ति सीधा महान बनने लगता है। और जागृति एक वाक्य से हो जाती है, 9 दिन तक कथा है, नियमित रूप से सत्संग इसलिए जरूरी होता है कि क्या पता कि कौन सा सूत्र आपकी जागृति का कारण बने। हजारों चाबी है लेकिन उसमें आपके ताले की चाबी कौन सी है ये कैसे पता चलता, इसलिए रखना तो पूरा ही पड़ता है।
सारी चावियों को रखना पड़ता है लोगों के सामने, क्योंकि इनमें से कौन सी चावी किसे लागू हो जाए और किसे जीव की जागृति से हो। सत्संग करते हुए, राम रस पीते हुए जागृति हुई, इसका प्रमाण क्या? कौन जागता है? तो जाग गए, इसका प्रमाण यह है कि जो जागृत हो जाता है वो बिना ईश्वर भजन का समय बर्बाद नहीं करता, और जो जागता है वो परोपकार का एक भी अवसर अपने हाथ से छूटने नहीं देता। ये जागृत की पहचान। जागृत व्यक्ति परमार्थ में कभी ये नहीं कहेगा कि बाद में कर लेंगे, किसी की मदद, समाज की सेवा, वो ये नहीं कहेगा कि 5 साल बाद करनी है, कि 5 साल बाद हमें समाज की सेवा करनी है। जागृतिक बात, व्यक्ति इसी सेकंड से, इसी दिन से जितना बन सके दूसरों की मदद के कार्य में लग ही जाता है, जितना बन सके उतना। श्री गणेश तो कर ही देगा। और जागृति के बाद व्यक्ति समय के मूल्य को बहुत समझता है, क्योंकि समय जितना हम समझते उतना है नहीं हमारे पास। यदि पूरा 100 वर्ष तक कोई दुनिया में रहे तब भी ये समझ लो कि उसका ठीक आधा जीवन बिस्तर में निकल जाता। पूरे 100 वर्ष तो रहते भी नहीं, बहुत कम लोग हैं जो 100 वर्ष तक रहते, पर यदि पूरे 100 वर्ष तक आप रहते तब भी 100 से 50 बिस्तर में नींद में निकल जाते, और जो 50 आपके पास है उसमें से भी 10-15 वर्ष 20 वर्ष तक पढ़ाई बढ़ाई में, बचपन में, 10-15 वर्ष बुढ़ापे में, बीमारियों में उसमें निकल जाता है। 100 वर्ष जिसको आयु मिलती है, पूरे 100 वर्ष उसके पास भी स्वस्थ समय 12 वर्ष होता है। इसलिए साधु संत 12 वर्ष का अनुष्ठान करते हैं। कोई 12 वर्ष मौन रहते हैं, कोई 12 वर्ष ध्यान करते हैं, 12 वर्ष कुछ पाठ करते हैं, 12 वर्ष का कुछ नियम लेते हैं, क्योंकि स्वस्थ समय उनके पास उतना ही है। पर जब तक जीवात्मा की जागृति नहीं है तब तक तो उसको लगता है कि अभी तो काफी टाइम है, अभी तो काफी समय हमारे पास पड़ा है, कभी भी जप लेंगे, कभी भी बज लेंगे, कभी भी कर लेंगे। और ऐसे में सत्संग न करने के कारण नहीं करोगे तो भी जागृति तो होगी लेकिन समय पर नहीं होगी। जो सत्संग नहीं करता उसकी जागृति होती है, पर कब होती है? जब उसके पास समय है ही नहीं। जब गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, तब उसके हाथ में समय नहीं। देर से उसमें विवेक जागृत होता है, लेकिन तब तो समय भी बिगड़ा, शरीर भी बिगड़ा, बहुत कुछ बिगड़ा, अब उसको ठीक नहीं कर सकते। उस समय पर उसकी जागृति, सत्संग करने वालों की जागृति ऐसे समय पर और ऐसी उम्र में उसकी जागृति हो जाती है कि उसके पास कुछ करने के लिए बहुत बहुत समय होता। राम कथा जागने के लिए है, जगाने के लिए है।
और जब जीव जागृत होता है तो मानस में उसी जागृति के लिए ही ये शब्द प्रयोग है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जागृति होगी तो ऐसा लगेगा कि कुछ प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि जीव की जागृति यही तो प्रागट्य है। प्रागट्य पहले हमारे भीतर ही होता है। भगवत साक्षात्कार का क्रम ऐसा है, जिसको भी साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार की शुरुआत ये है, भये प्रकट कृपाला जागृति होती है। एक सेकंड समय बर्बाद नहीं कर पाओगे आप और अन्य जीवों की सेवा का एक मौका अपने हाथ से आप छोड़ना नहीं चाहोगे, गवाना नहीं चाहोगे। समझ लो कि भगवत प्रागट्य की शुरुआत हो गई आपके अंदर। राम प्रकट होने वाले हैं, आत्म साक्षात्कार होने वाला है, इसका यह संकेत है। भगवान का साक्षात्कार जब होता है तो ये नहीं समझना है कि आपकी आंखों के सामने भगवान आ जाएंगे, अचानक से भगवान आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और ये साक्षात्कार। साक्षात्कार पहले भीतर होता है। जब मन विशुद्ध होता है तब पहले भीतर साक्षात्कार। मन का शुद्ध होना पर्याप्त नहीं है, मन का विशुद्ध होना बहुत जरूरी है। और जब मन विशुद्ध होता है, निर्विकार होता है, तो उसके बाद साक्षात्कार की शुरुआत पहले भीतर होती है, पहले भीतर ही साक्षात्कार होता है। और जिसको भीतर साक्षात्कार हुआ वो भीतरी आनंद को, निजानंद को गुप्त रखे, वो उसका दिखावा ना करे, इसकी घोषणा ना करे, बतावे नहीं किसी को,
जब मन निर्विकार हुआ और मन में परमात्मा की अनुभूति हुई, उस अनुभूतियों को हर संभव आप छुपा के रखोगे, अपनी सहजता को बनाए रखोगे, तो बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा कि आपको पूरी दुनिया में भगवान का दर्शन होगा। बाहरी जगत में भी आपके लिए सिया राम मई सब जग जाने। इसलिए भगवान की अनुभूति प्राप्त करने वाले महापुरुष जब तक उनको कोई निश्चित आदेश नहीं होता, तब तक वो अनुभूति बताते नहीं है किसी को। तेरी नगरी में कहना चोर बसत लूट लेवे मेरी नथ गुगरी, बड़ी दूर नगरी। यदि हम बताने लगेंगे तो फिर भगवत साक्षात्कार विलंब में पड़ जाएगा, बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। दूर नगरी बड़ी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी।